दोस्तों मेरे सामने एक पेशेंट बैठी हैं जिनको पहले थायराइड की वजह से मोटापा था, पीसीओडी था, लेट पीरियड था, कोलेस्ट्रॉल हाई था, ब्लड में हाई इंसुलिन था यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस था। फिर लास्ट टाइम आई थी वो मेरे पास 2 महीने पहले, फिर हमने उनको कुछ दवा दिया जिससे उनका थायराइड कंट्रोल हुआ, इंसुलिन नॉर्मल हुआ और वेट कम किया। अब उनका अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में लास्ट टाइम उनका इंसुलिन पीपी था। लास्ट टाइम का इंसुलिन पीपी दिखाऊँ आपको 222 था। लास्ट टाइम इंसुलिन पीपी था 222, दिख रहा है इंसुलिन दिख रहा है जी सर। लास्ट 222 था और आज का इंसुलिन आ गया, देखिए इंसुलिन आ गया, अपना नाम नहीं आ रहा, नाम बहन नहीं आ रहा, ठीक है दिख रहा है, आज का 14 आ गया। तो पिछले 2 महीने में 8 किलो वेट भी कम किया। तो अब उसको खुद एक्सपीरियंस पूछते हैं कैसा फील कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाहता हूँ कि दवा प्लस वेट लॉस के बाद आपका पीसीओडी क्योर हो जाएगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस क्योर हो जाएगा, आपका मोटापा क्योर हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम भी क्योर हो जाएगी। पर मरीज का एक्सपीरियंस सुनते हैं आप, मेरा इसे बोलेगा मैंने बताइए इसको जी सर। सर बहुत चेंजिंग हुआ है अपने आप में। जैसे मैंने सुबह सुबह एक्सरसाइज किया, कैसे वेट कम हुआ? एक्सरसाइज मॉर्निंग में उठ के सीधा पार्क जाती थी और एक्सरसाइज किया, वॉक किया, आधा घंटा वॉक करती थी और आधा घंटा मैं एक्सरसाइज वो जो पार्क में लगे हुए हैं सारे एक्सरसाइज करती थी, एक घंटा। फिर मैंने खाने पर भी बहुत वर्क किया, जैसे सैलेड खूब खाती थी, दाल लेती थी, रोटी 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाती थी और पानी पीती थी खूब, और जो मेडिसिन आपने दिया था वो लेते थे। सैलेड खूब खाया है, दाल खूब लिए हैं, ये सब करके जी सर एक्सरसाइज से बिल्कुल मेरा। तो देखिए क्या होता है कि भाई साहब अगर बहन जी ने 2 महीने में 8 किलो वेट कम कर लिया तो इसमें वेट कम संभव है। लोग क्या होता है कि हिम्मत हार जाते हैं, जस्ट वेट कम करो आपका पीसीओडी ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगा, आपकी तबीयत ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा देखा ये पॉसिबल है।